हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। अगर आपका कोई फ्रेंड व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है और उसे आप रीड नहीं करते हैं, बाद में आपका फ्रेंड उसी मैसेज को डिलीट फॉर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देता है तो उसे आप पढ़ नहीं पाते। परंतु अगर आप आज के बाद उन सारे मैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डिलीट किए हुए मैसेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है बर्ड्स रिमूव। जैसे ही बर्ड्स रिमूव आप टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको फर्स्ट नंबर वाली ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ परमिशन होगी जिन्हें आपको ऑन करना है। ये सब कुछ करने के बाद आप नीचे व्हाट्सएप पे डिलीट किए हुए मैसेज पढ़ना चाहते हैं, फेसबुक के पढ़ना चाहते हैं या और भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म के पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट सेव फाइल पर करना है। उसके बाद अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका कोई भी फ्रेंड आपको मैसेज करता है और डिलीट फॉर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके उसी मैसेज को वापस से डिलीट कर देता है, परंतु उसी मैसेज को आप अपने ही स्मार्टफोन में पढ़ पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।